दिव्य काशी यात्रा वेब सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। और स्वागत हम ऐसे नहीं करते, कम ऑन, एक बार मेरे साथ जोर से, हर हर महादेव। एपिसोड नंबर 4 एंड द लास्ट एपिसोड फ्रॉम दिस वेब सीरीज। मैं आ चुका हूँ, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम यहाँ पहुँचे वाराणसी स्टेशन। अब यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बैक रिटर्न जर्नी टूवर्ड्स सफदरजंग। और वेब सीरीज़ में सच में यही होता है, कब दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता और कब एपिसोड्स ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं लगता, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ एवरीडे व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ एक और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ट्रेन देखिए क्या खड़ी है वाराणसी जंक्शन पे, आप यहाँ देखिए, इसका मज़ा ही अलग है। रेलवेज प्लेटफॉर्म्स, ट्रेन्स, कैमरा और आप मेरे साथ, मेरा हम सफ़र बन के, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। पिछले 3 दिन कहाँ निकले पता ही नहीं लगा, और काशी आने का तो जब भी मुझे सौभाग्य मिलता है ना, पूछो मत, मेरी खुशी इतनी हो जाती है। और ये नज़ारा आप देखिए, यहाँ खड़े होकर आप देखिए, अगर आपको रेलवे से प्यार है, अगर आपको ट्रेन से प्यार है ना, मतलब आप यहाँ घंटों बस यूं ही खड़े हो सकते। आप इस नज़ारे को देखिए, सच में मेरा तो मन कर रहा है बस ऐसे ही घूरता रहूं। और यहाँ हमारी खड़ी है दिव्य काशी ट्रेन। और आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी ट्रैवल प्लान बना रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिएगा वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप। वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूं। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी और जो भी ट्रेन पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे न्यू एंड एक्साइटिंग फीचर्स। डिनर कार में हमारा स्नेक्स का बंदोबस्त किया गया है, यानी कि हाई टी स्टार्ट कर दी गई है। तो फिलहाल हम गोइंग टू द हाई टी, हां, लाइक दिस, यस, रेस्टोरेंट कार में हम जा रहे हैं। देखो आप क्या है ना, आज बहुत फुर्सत है, ये मानो आज कुछ करने के लिए नहीं है। यस, फुर्सत वाला ये जो वर्ड है वो हम बहुत रेयरली यूज करते हैं सच में, बट हां आज सच में फुर्सत है। तो आज का जो व्लॉग आप देखने जा रहे हो ना, ये थोड़ा बहुत मस्ती, बहुत फन और इन्फोटेनमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, चिंता मत कीजिए। तो बस हम वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल अभी आए, जो आपने व्लॉग 3 में देखा बिल्कुल अभी आए। पहले थोड़ी बहुत पेट पूजा करेंगे और जो हमारा कोच है उसको वापस मेंटेन किया गया है, पूरी तरह से क्लीन किया गया है, सैनिटाइज्ड किया गया है। यस, देखो हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और यही दुआ कीजिएगा कि आपके लिए बैक टू बैक AC लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन की ऐसी वेब सीरीज आती रहे। ये देखो, ये रहा हमारा डिनर कोच, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, हम पहुंच गए हैं। yes. तो चलो अंदर चलें। yes. आइए, दिव्य काशी एक्सप्रेस, इसकी भी याद आएगी, इसके खाने की याद आएगी, टूरिस्ट प्लेसेस की याद आएगी, और जो IRCTC की टीम है उसकी भी याद आएगी। और सिर्फ 4 दिन का टूर है, ये तो पता नहीं इतना जल्दी निकल गया। इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये है पकौड़े एकदम गर्मा गर्म फ्रेश, उसके साथ आपको मिलेगा सैंडविच। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप फूड लवर हो, ये लग्जरी ट्रेन जितनी है ना, डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन आप कह लीजिए, सब आपके लिए। टी कॉफ़ी ले लीजिए या फिर जूस ले लीजिए। सोनिया इज़ हैविंग कॉफ़ी और उसके साथ, ये है मफिन, यार ये मेरा फेवरेट। खाने का तो ऐसा लगता है जैसे रामायण एक्सप्रेस में, पता मेरे साथ क्या हुआ, 4-5 दिन मेरे को घर का खाना ही पसंद नहीं आया था। मम्मी कहती थी तेरे को वहीं की आदत लग गई है ना, वहीं वापस चला जा। यार वैसे घर के खाने का तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, लेकिन yes. एक आदत बन जाती है, आप इतने दिन आप किसी yes. के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हो, वो लोग आपकी फैमिली बन जाते हैं, तो एक अपनापन जो है वो महसूस होता है। ये तो पकौड़े दे दिए भाई साहब,
अभी ट्रेन चलने दीजिए, बैक टू बैक फूड व्लॉग्स आपको, मतलब फूड नाम आपको दिखाएंगे, स्टेशन दिखाएंगे, और ये वाली यात्रा दिल्ली तक सफदरजंग तक आपको पूरी दिखाई जाएगी। हम आए हैं वाराणसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। अगर आपको याद हो एक वीडियो वायरल हुआ था, हमारे PM और UP के CM दोनों साथ में वाराणसी स्टेशन आए थे डेवलपमेंट का सब प्रोग्रेस देखने के लिए। तो अगर आपको याद हो वो जगह ये है, ये भी तो जाना चाहिए आगे थोड़ा, ये भी तो आपको दिखाना बनता है ना। तो दे बोथ केम टुगेदर, वो यहाँ से आए थे और अगर आप देखोगे यहाँ से वो अंदर गए थे। और आप स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म देखिए, हमारी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर है, बट आप ये प्लेटफॉर्म देखिए, डेवलपमेंट देखिए, और जो वेटिंग रूम है भाई साहब, वेटिंग रूम भी उन्होंने क्या क्लास बना रखे हैं, वेल मेंटेन्ड। यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है सारा डेवलपमेंट वाराणसी में ही हो रहा है। यार आप ये रेलवे स्टेशन तो देखो यार, आप ये लगता है कोई रेलवे स्टेशन, दिस इज क्लास। शंकर जी की कृपा है वैसे वाराणसी में, सो दैट्स व्हाई इट इज, बट आई थिंक रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, और इसलिए तो कहते हैं दिव्य काशी, नव्य काशी। रामायण एक्सप्रेस में हमारे साथ थे झा सर, जो कंट्रोल रूम से डायरेक्टली डील कर रहे थे। इस वाली ट्रेन में हमारे साथ हैं बनवाल सर, जो कंट्रोल रूम से, मेन कंट्रोल रूम से डील कर रहे हैं। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे इस ट्रेन को किस तरह से प्रायोरिटी मिल रही है, किस तरह से इसको पास किया जा रहा है। दिव्य काशी यात्रा में जो भी लोग आए हैं उनको, उनकी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए ट्रेन को अच्छी तरीके से, बाकी सभी ट्रेनों को बाईपास करते हुए इस ट्रेन को स्पेशल सुविधा दी गई है, ताकि यात्रियों को समय पर सभी जगहों पर पहुंचा सके। और जो भी चीज़ इनको दिखाना है, जो भी चीज़ प्रोग्राम किया गया है, एक प्रोग्राम के अनुसार सारी चीज़ों का उनको शामिल किया जा सके। तो अगर आपने मेरी पूरी रामायण एक्सप्रेस वेब सीरीज़ देखी थी, तो जैसे मैंने आपको बताया वहाँ थे झा सर, हमारे साथ बनवाल सर, और आपको बता दूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, बिकॉज इतनी पूरी ट्रेन को प्रायोरिटी पर निकालना, टाइम पर पहुँचाना, टेक्निकल हॉल्ट्स वगैरह सब कुछ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विसेज, थैंक यू सो मच। इनके लिए दोस्तों एक लाइक बनता है। जर्नी की शुरुआत में आपको लोको दिखाना तो बनता है, और आई गेस ये वही लोको है जो हमको लेकर आया था। ये है PCR का, आप देख सकते हो, दिस इज वेब 7। अब देखते हैं ऑपरेटिंग स्पीड कितनी अचीव होती है, क्या होता है। लोको भी आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, एक और जर्नी शुरू होने जा रही है आपके लिए, बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज, और वो भी आप सोचिए AC लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के। आपको और क्या चाहिए, उम्मीद है साउंड क्लियर होगी। मैं तैयार, अगले 10 मिनट में हम डिपार्ट होने के लिए यहाँ से तैयार हैं। लोको पायलट आप अंदर देख सकते हो, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, पीछे गार्ड नहीं, ट्रेन मैनेजर भी तैयार और हम भी तैयार। क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना, बोला तो करो यार। जब मैं आया था तो हमारा कोच A2 बिल्कुल आगे की तरफ था, अब लोगों उस साइड डाल दिया तो हमारा कोच हो गया पीछे की तरफ। आप सोच रहे होगे मैं हाफ क्यों रहा हूँ। अभी मैंने लोको कवर किया, टाइम हो गए हैं 9, ऑफिशियल डिपार्चर टाइम है 9:05 का। तो पूरा प्लेटफॉर्म मैं पीछे भाग के आया हूँ भाई साहब, ये यूट्यूब के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए करना पड़ता है। अब कोई भी कमर्शियल हॉल्ट, कोई भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। अब देखते हैं टेक्निकल हॉल्ट कौन कौन से पड़ेंगे, कितने बजे आएंगे, और कोशिश यही होगी कि वो भी मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे एक डीजल लोको, अगर आप देख पाओ वहाँ पर, आई गेस यहाँ से कोई ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है शायद। बस चलिए एक और सफ़र की शुरुआत करते हैं, और इस मंथ में आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग। अभी आपके सामने एक टॉय ट्रेन भी आएगी, अभी आपके सामने राजधानी फर्स्ट क्लास भी आएगी, बहुत सारा कंटेंट है सिर्फ आपके लिए। हमारी दिव्य काशी ट्रेन का ऑफिशियल डिपार्चर टाइम था 9:15, और बिल्कुल शार्प टाइम हम यहाँ से निकलने के लिए, डिपार्ट होने के लिए तैयार, और आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट इस वाले व्लॉग में। पूरी जर्नी वर्चुअली मेरे साथ कीजिए। एक और वेब सीरीज यहाँ पर हमारी एंड होने जा रही है। यस। बस यार यही पल अच्छे नहीं लगते यार, कोई बात नहीं। तो वाराणसी का सफर बस यही तक था और बहुत ही बढ़िया रहा सब कुछ। यस, हम निकलने के लिए तैयार, निकल चुके हैं। यस,
दिव्य काशी एक्सप्रेस की करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 95 किलोमीटर्स पर आवर और यहाँ पर डिनर शुरू कर दिया गया है और हम बिल्कुल ही मानिए लास्ट आए हैं। दिस इज #vloggerslife व्लॉगर्स लाइफ। पूरी रेस्टोरेंट कैब लगभग खाली पड़ी है, खाली हो चुकी है। ज़रा हमारी पब्लिक को बताइए आज के मेन्यू में क्या क्या है। आज के मेन्यू में था गर्मा गर्म टमेटो सूप जिससे हमने शुरुआत की। उसके बाद में मेन कोर्स में है दाल तड़का, भिंडी मसाला फ्राई, पनीर की सब्जी है। तो आज कुछ ज़्यादा ही पनीर हो गया लाइफ में बट ठीक है चलो कोई नहीं। एंड मिक्स वेज है, अलॉन्ग विद दैट वी हैव सलाद है, चपाती है, राइस है, दही है, दही का ऑप्शन है। भैया सबसे अच्छी बात ये है हर चीज़ पेंट्री कार में फ्रेश बनाई जाती है। अब एक सवाल ये भी आया था जैसे 3-4 दिन का टूर है तो कहीं से मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टेशन से बोर्ड किया जाता है क्या है, तो आपको बता दूँ ये हर चीज़ पूरा स्टॉक कैरी करते हैं और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह अलग जगह से परचेज किए जाते हैं। इनकेस अगर कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो केटरिंग स्टाफ जो है वो मैनेजर रहते हैं एंड ही हैंडल्स कर लेते हैं अगर फेवरेबल सिचुएशंस है एंड ही हैंडल्स एवरीथिंग। आपको बता दूँ इस टूर का, दिव्य काशी टूर का, यात्रा का ये हमारा लास्ट मील आप कह लीजिए प्लस लास्ट ऑफिशियल डिनर। लास्ट ऑफिशियल डिनर, लास्ट ऑफिशियल डिनर। यू विल मिस दिस ट्रेन बहुत ज़्यादा बट आई थिंक कि फिर से एक बहुत हसीन अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है बहुत जल्दी इन फ्यूचर। बट हाँ काशी यात्रा को तो बहुत ज़्यादा मिस किया जाएगा भाई साहब। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये वाली ट्रेन मेरा तो घर हो गई, दूसरा घर हो गई। हर महीने डोलेश यहीं आ जाएगा। हमने दिव्य काशी एक्सप्रेस वापस बोर्ड की और आप देखिए जैसा रामायण एक्सप्रेस में होता था, डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन का यही तो फ़ायदा है। इन्होंने बिल्कुल फ्रेश टावल दी है, टावल्स दी हैं, प्लस देखिए पानी की बॉटल और लिनिन वगैरह पूरा इन्होंने सब कुछ हमारा केबिन सब कुछ क्लीन करके इतना परफेक्ट दिया है। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया हमको कब मौका मिलेगा ये ट्रेन बोर्ड करने का। चिंता मत कीजिए ये मौका आपके पास ज़रूर आएगा और बिकॉज क्या कोविड की वजह से थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना है पर दिव्य काशी एक्सप्रेस क्या दौड़ रही है। अब देखते हैं मेरी आपसे आगे कहाँ मुलाकात होती है और इस सेकंड एसी कूप में मैं तो यही कहूँगा मेरे को जो इसमें मज़ा आता है ना आप बस पूछिए मत, मेरे को तो यहाँ बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती है यहाँ पर। आज हम इतना चले हैं, इतनी लंबी वॉक हुई है तो यहाँ पर ना हो शी इज़ एंजॉइंग, फुट मसाजिंग चल रहा है। बताइए ऑन बोर्ड आपको ये भी मिलता है? ऑन बोर्ड यस। तो IRCTC की टीम ने बहुत सोच समझ के ये फुट मसाजर यहाँ रखा हुआ है विच इज़ अवेलेबल ओनली इन द सेकेंड AC कोचेस। तो यस बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है ये एक्सपीरियंस। आप ये सोचिए ये तो तब भी 4 दिन का रामायण एक्सप्रेस, मैंने 18 दिन की, जब भी मैं ऑन बोर्ड होता था मैं यहाँ पर आके रोज़ आधे घंटे बैठता था। तो अगर आप हर दिन यू डिड दिस यस यस 20 मिनट्स आंख बंद करके कीजिए और जो आराम मिलता है ना पूरे आप रिजुवेनेट हो जाओगे। यस पूछिए और याद रखा सेकंड एसी में यहाँ पर आपको लाइब्रेरी भी मिलती है तो सेकंड एसी बेटर फर्स्ट एसी बेटर? सेकंड एसी मुझे तो पर्सनली पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि सेकंड एसी में ज्यादा स्पेस है, ये बाहर ये जो रिक्रिएशन यस ये देखिए हुआ है थोड़ा सा यस अवेलेबल है, फुट मसाजर है, लाइब्रेरी है। अब बस ये हो गया, अब मैं कर लूँ थोड़ा बहुत मैं कर लूँ। तुमने किया ना रामायण में 18 दिन किए, अब अरे तुम्हें इससे क्या लेना देना। अरे बट मैं भी तो चल के आया इधर, अभी तो चल गया। ऑफ कोर्स जस्ट किडिंग। या पिछले 2 दिन में मैं दूसरी बार प्रयागराज आया हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है पिछली बार आया था वो दिन में आया था, अब मैं आया हूँ रात में, बट ट्रेन सेम। और इस बार मुझे बात करनी है अबाउट द ट्रैवल एजेंसीज। आप ये सोचिए बिकॉज ऑफ कोविड उनका बिजनेस कितना ज़्यादा हिट हुआ है और मैं लोकली वहाँ पर वाराणसी में ड्राइवर दादा से भी बात कर रहा था, वो बता रहे थे भाई साहब इनकम इतनी कम हो गई है कि आपको क्या बताएं। राइट नाउ ट्रैवल इंडस्ट्री
प्लस इवेंट इंडस्ट्री दोनों को इतना ज़बरदस्त बूस्ट चाहिए कि आपको क्या बताया जाए। तो बस यही रिक्वेस्ट है रेलवे से कि भैया ऐसी टूरिस्ट ट्रेन्स चलाते रहिए, एटलीस्ट हर वीक दिल्ली से एक नई ट्रेन डिपार्ट होगी तो आई एम श्योर टूरिज़्म इंडस्ट्री बूस्ट होगी, प्लस लोगों को स्पेशली ट्रैवल्स वालों को बिजनेस मिलेगा, इनकम इंक्रीज होगी, पैसा मिलेगा, ये बहुत सही ज़रिया है। एंड प्लस हैशटैग देखो अपना देश के अंतर्गत अगर हम ये कर पाएँ फिर तो खैर बात ही अलग है। रात को 11:30 बजे प्रयागराज स्टेशन पर हमारी व्लॉगिंग चल रही है, ये अलग ही प्यार है, ये अलग ही मोहब्बत है, और ये मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ रेलवे से है। दिव्य काशी एक्सप्रेस भाई साहब क्या टूर, एक और आपके लिए वेब सीरीज़, मज़ा आ जाता है यार सीरियसली। अब आप ये देखिए पूरे A2 कोच में मुश्किल से सिर्फ 4 लोग बचे हैं, जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स थे जो भी थे आई गेस वो वाराणसी से उन्होंने बोर्ड नहीं किया या वो कहीं और चले गए। अब जितने मीडिया वाले हैं किसी ने न्यूज़पेपर में प्रिंट किया है, किसी ने रिपोर्टर मतलब ऑन टीवी दिखाया है, सब ने अपना अपना कवरेज हो सकता था वो दिया है। अब इस ट्रेन का आपको बता दूँ यहाँ और कुछ करने के लिए है नहीं, और हमारा एक और टेक्निकल हॉल्ट आएगा कानपुर सेंट्रल शायद 2 या 3 बजे के आसपास, कोशिश करूँगा अगर मैं वो आपको दिखा पाऊँ, अगर नहीं दिखा पाया तो आपसे अब मेरी सीधी मुलाकात होगी कल सुबह, और वापस मैं इस अपने सेकंड एसी के कूप को मिस ज़रूर करने वाला हूँ। आप सोचिए 1 महीने में मैं दूसरी लग्जरी एसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन की वेब सीरीज़ बना रहा हूँ, मतलब दिस इज़ सीरियसली अ ब्लेसिंग। ठीक है, आपसे मिलेंगे अब सीधा कल सुबह, गुड नाइट। This is day 4 of Divya Kashi Express. और एक बार मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। और भाई साहब महादेव, और दिन की शुरुआत मुझे चाहिए उस्ताद जी के साथ, और उस्ताद जी के हाथ की या तो चाय चाय पीजिए साहब या कॉफी। यार ये क्या, ये आज मैंने चाय ली है, क्या बनाते हो उस्ताद जी, क्या बनाते हो? प्योर दूध की चाय बनाते हैं, प्योर दूध। और जरा आज का ब्रेकफास्ट का मेन्यू जरा बताओ क्या क्या? ब्रेड कटलेट, हाँ, और पूरी भाजी, कॉर्नफ्लेक्स दूध, हाँ, टी कॉफी, फ्रूट, हाँ फ्रूट चाय। एक बात मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप ये वाली ट्रेन बोर्ड कर रहे हो चाहे वो रामायण एक्सप्रेस हो चाहे वो दिव्य काशी एक्सप्रेस, हमारे उस्ताद जी से आप एक बार मिलिएगा जरूर। ठीक है, बिल्कुल। ये इतने अच्छे इंसान है, इतनी प्यार से बात करते हैं, और जब भी मैं इनसे कुछ कहता हूँ ना बनाने को तुरंत मेरे लिए बना देते हैं। बिल्कुल, थैंक यू उस्ताद जी, मतलब ऐसा भी कोई यार मिलना चाहिए स्पेशली इन ट्रेन, और जब ऐसे लोग मिलते हैं ना यही तो कहते हैं जर्नीज इज ऑल अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, और जितने अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। और उस्ताद जी आप ये तो बताओ रहते कहाँ? हम एक दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में ही रहते हो? हाँ। और रेलवे के साथ कितने साल से उस्ताद जी काम कर रहे हो? मुझे वही 20 साल करे रेलवे, 20 साल हो गए। और आपने राजधानी दुरंतो वगैरह हाँ, किया? हाँ जी, उनमें भी आपने सब खाना वगैरह हाँ, बनाया? तेजस में भी, तेजस में भी बनाया हाँ, होटल में भी किया है, ताज में। अच्छा, तभी इसलिए चाय बनाते हो इतनी कड़क? हाँ, अब मेरे को समझ आया ना, एक उस्ताद जी के लिए लाइक जरूर ठोकना। ठीक हाँ, और हो जाए हर हर महादेव।
दिव्य काशी एक्सप्रेस क्या दौड़ रही है, करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 125 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब इसको दे दिया ग्रीन सिग्नल, दौड़ बसंती दौड़ जितना दौड़ सकती है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट की शुरुआत हो चुकी है, आज पूरी है, कॉर्नफ्लेक्स है, कटलेस है, एकदम गर्मा गर्म आलू की सब्जी, लाजवाब। बताइए आपसे फीडबैक लेना चाहेंगे, हाउ इज द फूड? टू गुड, फ्रूट भी है तो आज हम जरा फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं। बट यस एज यूजुअल बहुत ही अच्छा खाना है। और लास्ट ब्रेकफास्ट ऑफ आर ट्रिप ऑफ दिव्या काशी टूर, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये कहते हुए, बट चलो कोई नहीं यार, ये ज़रूर है, ये पल याद आएंगे, ये जर्नीज ना हम मिस करेंगे। आई जस्ट इमेजिन जब ये व्लॉग्स हम मे बी 3 साल बाद 4 साल बाद देखेंगे तो सोचिए कितनी यादें ताज़ा होंगी। कंटेंट पसंद आ रहा है पता है ना क्या करना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ से ये ट्रेन जाएगी नॉन स्टॉप, अब देखते हैं आराम से। भाई साहब क्या दौड़ रही है यार, अब देखते हैं आगे यहाँ पर और क्या है। आनंद सर से हमारी एक और मुलाकात, सर इज एंजॉइंग द ब्रेकफास्ट, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एब्सोल्युटली फाइन। यस सर, हर जैसे जो कमर्शियल रन होता है पैसेंजर्स की यादें होती हैं सब कुछ, अब सर हमारा टूर हमारी जर्नी ख़त्म होने जा रही है तो आपसे जानना चाहेंगे सर इस जर्नी के आपके बेस्ट मोमेंट क्या रहे? बेस्ट मोमेंट तो खैर अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल हैं, बट सबसे बढ़िया मोमेंट मेरा वो रहा जब मैं भारत माता टेम्पल गया एंड एवरी पर्सन एवरी इंडिविजुअल एवरी इंडियन रादर शुड गो टू भारत माता टेम्पल, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स। दूसरा बेस्ट मोमेंट मेरा तब रहा जब मैं दशाश्वमेध इसमें गया, जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर राजा दशरथ जी ने जो है वो अश्वमेध यज्ञ किया था। और एक बार रिटर्न जर्नी में इतना पिक्चर्सक व्यू मिला मुझे प्रयागराज का, और प्रयागराज में माघी पूर्णिमा के इसके ऊपर माघ महीने का मेला चल रहा है, तो हर भारतवासी को हर हिंदुस्तानी को चाहे वो कहीं पे भी हो विश्व में, दे मस्ट कम दे मस्ट विजिट दिस ट्रेन, दिव्य काशी भव्य काशी। और अगर आप ये वाली ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं आने वाले टाइम में 22 मार्च को फर्स्ट कमर्शियल रन है, हमारे पीआरओ सर से मिलिएगा ज़रूर ज़रूर अवश्य। और सर अगर आप लोग रहेंगे तो मैं भी उस ट्रेन में कोशिश करूँगा कि मैं भी रहूँ जी। मुझे तो ये मानिए बस इंतज़ार रहता है कि ट्रेन कहीं भी स्टेशन पर रुके और मुझे उतरने का मौका मिले। अभी ये ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, आई गेस लाइन क्लियर नहीं है, इसलिए हमको रोका गया है मारीपत स्टेशन, यूपी का डिस्ट्रिक्ट हो गया गौतम बुद्ध नगर। आप ये नज़ारे देखिए, व्यूज़ देखिए, हैशटैग ट्रैवल रियल इंडिया जितना आप देखोगे भाई साहब, दिस इज़ इंडियन रेलवेज। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो ना इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, ट्रेन जर्नीज़ कीजिए। एसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन हमारे यहाँ खड़ी हुई है, इसका तो मज़ा बिल्कुल मज़ा ही अलग है, आपसे कहता रहा हूँ मैं तो हर स्टेशन पर उतर सकता हूँ, हर स्टेशन पर वीडियो बना सकता हूँ। आई गेस शाम से कोई ट्रेन है, लाइन क्लियर नहीं है। Day 4 और व्लॉग नंबर 4, लास्ट एपिसोड ऑफ दिस दिव्य काशी यात्रा वेब सीरीज होता है समाप्त। हम आए हैं आपको बता दूं दोपहर को 12:10, बट फाइनली सबसे अच्छी बात है आ गए टूर के साथ। थोड़ी सी लेट चल रही थी ट्रेन, बट ठीक है आ गए। और टूर आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, बहुत ही ज्यादा मजा आया, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन जर्नीज मेरे जिंदगी की। बट मैं आपसे ये जरूर कहूँगा रामायण एक्सप्रेस और इसमें मेरे लिए एज अ व्लॉगर मैं आपको बता रहा हूँ क्या डिफरेंस रहा, उसमें मैंने ट्रैवल किया था कमर्शियल पैसेंजर्स के साथ, हाँ। तो वो फीलिंग्स वो वाइब थोड़ी अलग थी, बट इस वाले में हम दोनों ने साथ में ट्रैवल किया मीडिया के साथ ट्रैवल एजेंट्स के साथ, तो ये इसकी वाइब थोड़ी बहुत अलग थी। बट टूर आपने वर्चुअली मेरे साथ किया, मैं तो आपसे यही कहूँगा
ज़रूर ये वाली यात्रा भी ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ 4 दिन की है, बाकी सब डिटेल्स वगैरह मैंने आपको दे दिए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये जो ट्रेन है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ टूरिस्ट एंड ट्रैवलर। आप सोलो ट्रैवलर हो, बैकपैकर हो, हिस्ट्री लवर हो, कल्चरल लवर हो, या जस्ट ट्रैवलिंग का शौक है और प्यार है, आप जो भी काइंड ऑफ पर्सन हो, दिस ट्रेन जर्नी इज़ अ मस्ट फॉर यू। यहाँ से आप जा रहे हैं होटल, फ्लाइट लेके जाएंगे कहीं और, जो फ्लाइट बुक की थी वो कैंसिल हो गई है कैंसिल। तो आई थिंक लास्ट 15-20 मिनट हम यही सोच रहे थे कि अब क्या करें, कैंसिल रिफंड रिफंड कैंसिल का चक्कर चल रहा था, बट सॉर्ट हो गया सब। बट मेरे को ये बताओ कितना एडवेंचर, मतलब कहीं कुछ लिमिट तो डिसाइड करो यार। लिमिट तो खैर ठीक है, ऐसे बैठे बिठाए जो ट्रबल्स आ जाती है ना उसका तो बात ही कुछ और है। बट वी आर ट्रैवल व्लॉगर्स, ये चीज़ हमको करनी पड़ती है। अब यहाँ से जा रहे हैं होटल, फिर वहाँ से आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, बैक टू बैक ट्रैवल वीडियोस, और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दिव्य काशी यात्रा का देखिएगा जरूर। दिस इज डोलेश, दिस इज सोनिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 सफदरजंग स्टेशन। आप देख लीजिए अब यहाँ से चले, और एक बार लास्ट बार हो जाए दिव्य काशी भव्य काशी हर हर महादेव।